तो हेलो गाइस, आज के वीडियो में आपको पंखे का कैपेसिटर चेंज करके दिखाएंगे। इस पंखे के मालिक ने हमें कहा है कि ये पंखा बड़ा स्लो चलता है, तो आप देख सकते हैं कि इसका कैपेसिटर बड़ा पुराना हो गया है, इसी के कारण स्लो चलता है। अगर ये कैपेसिटर नया लगाने के बाद भी आपके पास नया लगाने के बाद अगर भी फिर भी स्लो चलता है, तो आपके जो ये वायरिंग होता है, वायरिंग जिसके कारण ये घूमता है, उसमें प्रॉब्लम आता है। तो चलो हम आपको पहले कैपेसिटर चेंज करके दिखाते हैं कि स्पीड है कि नहीं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं, पहले आपको दिखा देता हूँ कि इसमें 3 पॉइंट निकल रहे हैं। आपका ये पहला पॉइंट है जो आपका मेन लीड हो गया। ये दूसरा पॉइंट है जिसमें कैपेसिटर का एक तार जुड़ रहा है, देख सकते हैं। जो तीसरा तार है, इसमें आपका कैपेसिटर का तार एक जुड़ रहा है, देख सकते हैं। तो पहले ये हमें पहला नंबर नहीं खोलना है, हमें दूसरा और तीसरा खोलना है खाली। तो देख सकते हैं कि मैंने ये अभी पहले दूसरा निकाल लिया है, उसके बाद हम ये तीसरा पॉइंट में से निकालेंगे जो रेड और वाइट लगा हुआ है। अब देख सकते हैं कि मैंने इसमें से भी निकाल लिया है। फिर आपको ये तार छुटा देना है इसके। अब देख सकते हैं कि मैंने एक कैपेसिटर के दोनों तार छुटा दिए, तो मैंने एक कैपेसिटर निकाल लिया है। अब देख सकते हैं कि हमारे पास जो कैपेसिटर है वो नया ही है। ये आपका हमेशा जो है ना कैपेसिटर 2.5 का लगाना है, 2.5 का ही लगाना है, ठीक है। क्योंकि इसी अगर ज़्यादा हाई का लगाओगे तो पंखा वो ख़राब कर देता है, ठीक है। तो आपको हम अभी चेक करके दिखाएंगे इसको लगाने के बाद। आप देख सकते हैं कि मैंने ये पहला जो है ब्लैक तार में लगाया है इसको। ब्लैक तार में लगाने के बाद जो ये आपका रेड तार है इसमें लगाते हैं हम। आपका पिस्टर के कोई से भी वायर किसी में भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई माइनस प्लस नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं हमने इसको जोड़ दिया है, और ये जो आपका काला तार था ये वापसी आपके 2 नंबर पॉइंट पे लगेगा। जो आपका 2 नंबर पॉइंट है इसी में आपके वापसी लग जाएगा। ये देखिए मैंने इसमें लगा दिया है। अब फिर हम लोग ये जो आपके पास रेड और वाइट कैपेसिटर का तार मिल रहा है, ये हम तीसरे नंबर पे लगाएंगे। आप देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से वायरिंग की है। तो आपको हम फिर दिखा देते हैं, जो आपका ये रेड और ब्लैक तार ये आपका मेन होता है, ये जो आपका ब्लैक और वाइट तार होता है ये इसमें दूसरे नंबर पर लगेगा, और ये रेड और वाइट आपका तीसरे नंबर पर लगेगा। तो चलो हम आपको अभी चेक करके दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने ये आपका तीसरे नंबर पर लगाया है और ये पहले नंबर पर लगाया है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी स्पीड घूम रही है। अब देखो कितनी स्पीड घूम रहा है। अगर आप यही जो आपका मेन वायर आते हैं सेकंड पर लगाओगे तो ये आपका पंखा उल्टा घूमने लगेगा। इसलिए आपको जो ना जो मेन तार है ये जो है जो आपका मेन तार निकल के आता है 2 पॉइंट, तो आपको ऊपर और नीचे वाले हिस्से में लगाना है, बीच वाला हिस्सा आपका खाली होता है इन टाइम। तो ठीक है, धन्यवाद लास्ट तक वीडियो देखने के लिए।